स्वच्छता भी जरूरी है और स्वास्थ्य भी जरूरी है, और इसके लिए हमें जागरूक होना भी जरूरी है। नगर निगम पानीपत और साथ ही साथ माई एफएम मिलकर एक अभियान चला रहे हैं और इस अभियान का नाम है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। इसके जरिए नगर निगम पानीपत और माई एफएम हर वार्ड में जाएगा और लोगों को जागरूक करेगा, और सबसे ज्यादा जो सहयोग रहने वाला है वो नगर निगम के इन सफाई कर्मचारियों का रहने वाला है, क्योंकि ये आपकी गली गली में जाकर सफाई करते हैं, चाहे कोरोना हो, सर्दी हो, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, ये लोग अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए नजर आते हैं। और ये समझाया जाएगा माई एफएम की टीम की तरफ से और साथ ही साथ नगर निगम की टीम की तरफ से कि हरा कूड़ादान यानी कि जो गीला कचरा होता है उसे हमें अलग रखना है, और नीला कूड़ादान यानी कि जो सूखा कचरा होता है उसे हमें अलग रखना है, ताकि वो मिक्स ना हो और वो खराब ना हो। और ये अभियान जो है तकरीबन 8 हफ्ते चलने वाला है, 8 सप्ताह चलने वाला है, और साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन है यानी कि जो तमाम बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें अपने शहर के बारे में बहुत ज़्यादा बातें पता है, उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से पानीपत शहर को स्वच्छ रखा जा सकता है और साथ ही साथ स्वस्थ रखा जा सकता है। इसलिए एक अभियान चलाया जा रहा है जिस अभियान का नाम है स्वच्छ पानीपत और स्वस्थ पानीपत, और इसकी शुरुआत की जा रही है जो नगर निगम की मेयर है और नगर निगम के जो कमिश्नर है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पर्यावरण को सुरक्षित रखना बेहद ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम कई बार लापरवाही बरत जाते हैं, हम कूड़े को नहीं समझ पाते कि कूड़ा गीला कौन सा है और सूखा कौन सा है, और ना ही हम पेड़ लगाने की तरफ ध्यान दे पाते हैं। लेकिन अब नगर निगम की जो टीम है और साथ ही साथ माई एफएम की टीम है पानीपत के अंदर एक अभियान चला रही है स्वच्छ पानीपत और स्वस्थ पानीपत। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, और किस तरीके से यह अभियान चलेगा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है आरके सिंह जो नगर निगम कमिश्नर पानीपत हैं। सर, एक बहुत अच्छा प्रयास ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, नगर निगम किस तरीके से अहम भूमिका निभाएगा? वैसे तो नगर निगम की मुख्य जिम्मेवारी है कि हम स्वच्छ वातावरण, सफाई व्यवस्था, पीने का अच्छा पानी, शिविर और अनेक प्रकार की जो डे टू डे लेवल पे मूलभूत सुविधाएं हैं दें। लेकिन इसका जो मुख्य बिंदु है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में स्वच्छ पानीपत स्वस्थ पानीपत, उसके तहत हम घर घर जाकर हमारे सभी पार्षद साहिबान, हमारी पूरी टीम, माई एफएम और एक कंपनी और हम एक ऐड करने जा रहे हैं, वो पिछले 2 दिन में अगले 2 दिन में काम शुरू कर देगी। और अब की बार हमने ये ठान लिए कि हमने पानीपत को हरा भरा बनाना है और स्वच्छ बनाना है, और उसके स्वच्छ बनाएंगे तो स्वाभाविक है उनके लोग भी स्वस्थ रहेंगे, और हमारी पूरी कोशिश ही नहीं सुनिश्चित करेंगे कि पानीपत कॉरपोरेशन भारत के सभी कॉरपोरेशन में से सबसे एक बेस्ट हो। किस तरीके से देखते हैं अमनीत मैम, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके कंधों पर, आपकी टीम के कंधों पर, तो लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाएगा, क्योंकि घर घर जाकर समझाना भी काफी मुश्किल रहता है? जी, सबसे पहले तो मैं अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पानीपत कमिश्नर का धन्यवाद करना चाहूँगी और हमारे यहाँ पर पहुँचे सभी पार्षदों का कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला है, यहाँ पर आज ये पहुँचे हैं। और मैं बताना चाहूँगी, हमारा जो एफएम वालों के साथ टाई अप हुआ है ये अभी तक फर्स्ट टाइम हुआ है पानीपत में, और ये पहली बार हुआ है, और हम लोग इनके साथ मिलकर और अपनी टीम्स के साथ मिलकर, हमारे साथ जो पार्षद जुड़े हैं, पार्षदों की अपनी अपनी टीम्स हैं, हमने इनके साथ जुड़कर जो है पानीपत के लोगों को अवेयर कराना है, उनको समझाना है कि जितना भी हमारे घर से जो भी वेस्ट निकलता है उसको हम अपने घरों में ही डस्टबिन के अंदर सेग्रीगेट करें, और हो सके तो उसका घर में ही हम लोग कंपोस्ट बनाएं, ताकि कम से कम मात्रा में जो है वेस्ट जनरेशन हो सके, और इसी तरीके से ही हम अपने पानीपत को है स्वच्छ पानीपत और स्वस्थ पानीपत बना पाएंगे। टीम काम करेगी मैम आपकी, आप भी पूरा सहयोग करेंगे? बिल्कुल सहयोग करेंगे हम, हमारे पानीपत एक साफ सुथरा शहर बने ये हमारा एक नारा है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो वैसे तो उन्होंने यही मुहिम चलाई कि हमारा देश एक स्वच्छ भारत देश। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम इस अभियान के बारे में?
ये स्वच्छता का अभियान है और हम हमारे पानीपत शहर को स्वच्छ बनाने के लिए है। और हमारे पानीपत में बहुत सारी टीमें इस काम में कार्य में लगी हुई हैं, हमारे कमिश्नर साहब की और अवनीत कौर जी की जो ये हम मुहिम शुरू हुई है, हम पूरी जनता उसमें साथ देगी। हम ऑलरेडी ही इसमें काम कर रहे हैं। स्वच्छता का मतलब है हवा को स्वच्छ करना, पानी को स्वच्छ करना और आसपास की सारी सफाई करनी। और हवा को स्वच्छ करने के लिए हम पिछले 10 सालों से पेड़ लगा रहे हैं और हर साल 1000 पेड़ हम लगाते हैं। आप देखेंगे मैं अपनी गाड़ी भी लाई हूँ, हमारी गाड़ी भी नई राह से ये पूरा प्रदर्शन करती है और लोगों को जागृत करती है कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और स्वच्छ हवा का आनंद लें। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जूट के बैग का इस्तेमाल होना चाहिए और भी तमाम चीजों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। नगर निगम और माई एफएम मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। विनय बंसल जी, किस तरीके से आपकी पूरी टीम काम करेगी, क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी है, नगर निगम आपको सहयोग कर रहा है, तो आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, माई एफएम की ये भूमिका है जो नगर निगम पानीपत के साथ मिलकर हमने स्वच्छ पानीपत स्वस्थ पानीपत एक्टिविटी का आज से आगाज किया है। इसके अंतर्गत हम पूरे पानीपत के अंदर लोगों की राय लेंगे, सीनियर सिटीजन की राय लेंगे कि किस तरीके से इसको और बेहतर बनाना चाहिए। प्लस हम सभी वार्ड में जाके लोगों को अवेयर करेंगे कि गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग रखना चाहिए और वेस्ट मटेरियल को कैसे यूज़ करना चाहिए। स्कूलों में जाके बच्चों से हम पार्कों के अंदर पेंटिंग्स बनवाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। ये सब इस एक्टिविटी का माध्यम रहेगा और मैं धन्यवाद करता हूँ कमिश्नर सर का और मेयर मैडम का यहाँ पर आने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप भी पार्षद हैं और पार्षद हैं, किस तरीके से काम करेगी सर आपकी टीम? हमारी तो टीम बहुत अच्छी है, अगर सारे एमसी इनके साथ रहेंगे और काम करेंगे। कुछ हमें लोगों को जागरूक करना होगा, जो वार्ड में उनको समझाना पड़ेगा कि अपने अपने घर में जैसे पन्नी होती है या पॉलीथीन है उसको अलग रख दे कूड़े को, तो क्या होता है ये बाहरी पन्नी में डाला और बाहर गिर देते हैं। थोड़ा हमें जागरूक करना पड़ेगा लोगों को, ना तो निगम की कमी है, ना पार्षदों की कमी है, ना इनकी कमी। थोड़ा लोगों को जागरूक होंगे तो काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छा। आपको लगता है कि अगर लोग जागरूक होंगे तो फिर स्वच्छ हो पाएगा पानीपत? बिल्कुल हो पाएगा, जागरूकता के साथ ही स्वच्छ हो पाएगा। आपकी आज की पहल को देख बहुत अच्छा लगा, जो माई एफएम टीम जो कर रही है, इसके अच्छे रिजल्ट आने की संभावना लग रही है मेरे को। क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से, क्योंकि कोरोना टाइम भी चल रहा है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, लेकिन गलियों में भी जाना है क्योंकि पानीपत को बनाना है स्वच्छ पानीपत और स्वस्थ पानीपत। सबसे पहले तो मैं स्वच्छ पानीपत और स्वस्थ पानीपत इस मुहिम का मैं स्वागत करता हूं और हमारे यहां के कमिश्नर श्री आर के सिंह जी और हमारी मेयर साहिबा और हमारी पूरी पार्षदों की टीम, हम सब मिलजुल कर आपकी इस एफएम के द्वारा और हमारे पानीपत नगर निगम के द्वारा स्वच्छ पानीपत की जो मुहिम है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपने प्रत्येक वार्ड में जा जाकर लोगों को जागरूक करेंगे कि किस प्रकार से गीला कूड़ा और सूखे कूड़े को अलग अलग करके हमें उसको डिस्पोजल करना है। ई टॉयलेट्स के बारे में भी जो है राय लोगों की ली जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संदेश कि हमें पूरा जो बनाना है उसमें घरों के अंदर हम शौचालय बनाएं ताकि लोग खुले में जाकर शौच ना करें, और पर्यावरण का यही संदेश माई एफएम और नगर निगम की टीम देती हुई नजर आएगी। ये दो गाड़ियां जो अलग अलग वार्ड में 8 हफ्तों तक जाएगी और उसी के जरिए समझाया जाएगा कि गीला कचरा कौन सा है, सूखा कचरा कौन सा है, कहां पर हमें कौन सा फेंकना है, और साथ ही साथ स्कूलों के साथ मिलकर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसकी किस तरीके से कलाकारी करके घर में ही उसका इस्तेमाल किया जा सके, कुछ अच्छा बनाया जा सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पानीपत से, जहां पर अभियान चलाया जा रहा है नगर निगम और माई एफएम की तरफ से, और इस अभियान का नाम है स्वच्छ पानीपत स्वस्थ पानीपत। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। नगर निगम कमिश्नर पानीपत, साथ ही साथ नगर निगम की जो यहां पर पार्षद हैं, मेयर हैं और माई एफएम की टीम है, वो हरी झंडी दिखाकर यहां पर शुरुआत कर रहे हैं आज स्वच्छ पानीपत और स्वस्थ पानीपत अभियान की। और ये जो दो गाड़ियां हैं वो
अलग अलग वार्ड में 8 हफ्ते तक जाएंगी और वहां पर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा पर्यावरण को लेकर, साथ ही साथ स्वच्छता को लेकर ये बताया जाएगा कि हमें जो पॉलिथीन के बैग हैं वो इस्तेमाल नहीं करने हैं, हमें स्वच्छता की एक और कदम बढ़ाना है और ये एक प्रयास है और ये प्रयास जरूरी है। और अगर हम स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। और अलग अलग जो कार्यक्रम है वो माई FM और नगर निगम करनाल की टीम की तरफ से किए जाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ ही साथ ई टॉयलेट के बारे में भी लोगों की राय ली जाएगी और फिर बाकी लोगों को बताया जाएगा। साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन हैं, तमाम बुजुर्ग लोग हैं पानीपत के, उनसे भी राय ली जाएगी कि पानीपत को किस तरीके से और ज्यादा स्वच्छ बनाया जा सकता है ताकि स्वच्छता की और स्वास्थ्य की और एक अच्छा कदम पानीपत नगर निगम का बढ़ सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एक अच्छा प्रयास है माई FM और नगर निगम पानीपत का। देखना ये होगा कि ये प्रयास कितना कारगर साबित होता है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए पानीपत से हिमांशु।